morning students, again welcome all of you in online classroom of science. I am Vijay Mishra, your science teacher. Students, today is 19th December. I present you next week a chapter from science school, that is respiration in organism. Respiration in organism. Yesterday we have studied about breathing, parts of breathing, and in yesterday's online video we have completed two activities also. Two activities for checking our breathing rate per minute. हम पर मिनट कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, इसको हमने चेक किया था स्टॉप वॉच से, याद आ रहा है स्टॉप वॉच से. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक पेज नंबर 140 मैकेनिज्म ऑफ 131 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ओपन पेज नंबर 131 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. जो डायग्राम हमने शेयर किया था डे बिफोर यस्टरडे, वो डायग्राम बन गया और आपके मैनुअल में लग गया, प्रोजेक्ट फाइल में लग गया वो पेज. चलिए बहुत अच्छा आपने लगा दिया, बहुत अच्छा अपना लगाया हो तो उसको प्रोजेक्ट फाइल में लगा दें. बाकी शीट में ड्रॉ करके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप उसको प्रोजेक्ट साइज प्रोजेक्ट फाइल में लगा दें. ठीक है, हम उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आज हम इसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स. यू नो दैट वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लंग व्हिच आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. इसको हम चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी कहते हैं. ये जो हमारा है थोरेसिक कैविटी है. और किस चीज का बना हुआ है थोरेसिक कैविटी? दिस थोरेसिक कैविटी इज मेड ऑफ रिब केज. ये पूरा का पूरा रिब केज है, रिब केज. दिस रिब केज प्रोटेक्ट्स थ्री डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड आवर थोरेसिक इनसाइड आवर बॉडी. What are three organs? What are those three organs? Three organs are heart, liver and lung. ये जो rib cage है, ये heart को, liver को और lung को protect करता है. समझ में आया? So our thoracic cavity is made up of rib cage and inside this thoracic cavity one pair of lungs are present. One pair of lungs. These lungs are our chief respiratory organs. Now, this cavity is surrounded by ribs on the sides, forms a cage-like structure called rib cage. समझ में आ गया? A large muscle sheet called diaphragm. These diaphragms forms the floor of the chest cavity. सी फिगर 10.2 लिखा हुआ है और 10.2 वही फिगर है जो हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट फाइल में लगा लीजिए, वही फिगर है. उस फिगर को सामने रखने के समझ में आएगा. दिस डायग्राम सेपरेट चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी वेयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द डायग्राम एंड द रिब केज. ब्रीदिंग में रिब केज की बोन्स में मूवमेंट होता है. अभी देखते हैं कैसे मूवमेंट होता है. हमने कल आपको बताया था कि ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. Breathing is a process of inhalation and exhalation of air. As we know, the inhaled air is rich in oxygen and the exhaled air outside from the lungs
कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात तो समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो इट फॉर्म्ड द फ्लोर ऑफ द ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ बोथ द डायफ्राम एंड रिब केज। आवर लंग्स आर अटैच टू द विंड पाइप, विंड पाइप से हमारे लंग्स अटैच है और लंग्स कहाँ पे है, लंग्स इसके नीचे है रिब केज के भीतर। ये डायग्राम आ गया, यही डायग्राम हमने दिया था ड्रॉ करने के लिए आपको, यही डायग्राम दिया था आपको ड्रॉ करने के लिए, इसी डायग्राम के बारे में बात हो रही है। सो कम टू ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस, इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस सारे प्रोसेस में इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपको लिखा हुआ है द रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड व्हाइल द डायग्राम moves down. This movement increases space in our chest cavity and thus reduces pressure inside chest cavity. The air outside nostril, which is at higher pressure, thus pushes into the lung and the lungs got filled with air. ये mechanism लिखा है inhalation का। Inhalation में क्या होता है, ये जो हमारी ribs bones हैं, ribs हैं, ये ribs बाहर की तरफ एक्सपेल होती है, बाहर की तरफ, और ये जब बाहर की तरफ आएगी तो हमारे लंग्स में स्पेस अधिक हो जाएगा। लंग्स आर लाइक बैलून्स, आवर लंग्स आर जस्ट लाइक बैलून्स, व्हेन एयर फिल्ड इनसाइड द बैलून दे बिकम स्वोलन एंड व्हेन दिस एयर गोज आउटसाइड फ्रॉम दिस बैलून देन द बैलून श्रिंक्स। Our lungs behave same like that of balloon. So when ribs are pushing outward, जब ये ribs outward में push होती हैं, then lungs get a large space. Lungs को ज़्यादा space मिलता है बाहर निकलने के लिए, खोलने के लिए, which results in inhalation of more air inside our lungs. इसी वजह से ज्यादा एयर इनहेल कर पाते हैं लंग्स। ये है मैकेनिज्म इनहेलेशन का, सबकी समझ में आया होगा। नाउ कम टू द एक्सहेलेशन मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस, द रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड व्हाइल द डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। This reduces the size of the chest cavity and thus increase the pressure inside the chest cavity. This pushes the air out of the lung. बस उसी का रिवर्स हो गया है। रिब्स हमारी भीतर की तरफ जा रही है, लंग्स का वॉल्यूम कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है जिससे लंग्स हमारे दब रहे हैं और उसमें की जो एयर है लंग्स की फोर्स से बाहर निकल जा रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, एक्सहेलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन। सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन वी हैव स्टडीड टुडे। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। Revise about mechanism of, this is your homework. Revise about mechanism of breathing during inhalation and exhalation. This is your homework. Exhalation and inhalation का mechanism आपको revise करना है, prepare करना है। दोबारा नहीं पढ़ाएंगे इसको। In next online class, we will study activity 3 and activity 4. Activity 3, Activity 4 हम लोग next online class में पढ़ेंगे। Student, this is all for today. Do your homework in time, students.
stay home and be safe. Thank you class. Thank you.